हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद सैम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल हम 2 मिनट में कैसे घर पर चिली फ्लेक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक पैन में डालेंगे यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्च और मीडियम फ्लेम पे इसे हम आधे मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो सिर्फ आधे मिनट के लिए रोस्ट करें, ज़्यादा नहीं। कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें। जैसे ये रोस्ट हो जाए फटाफट से एक बर्तन में से हम निकाल लेंगे और इसके जो डंठल हैं इस तरीके से हम इसे अलग कर लेंगे। इसके जो अंदर सीड्स हैं बीज वो भी अलग कर लेंगे हम इस तरीके से। देखें आप, अब मिक्सी जार में डालेंगे यहाँ पर मिर्च को, बीज को बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और डालने के बाद हल्की सी दरदरी फॉर्म में हम इसे इस तरीके से दरदरी फॉर्म में ग्राइंड कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से करना है और इसे मिक्स कर देना है बीज के साथ। ये बनकर तैयार है। बिल्कुल आप 1 से 2 मिनट में ये बनाकर तैयार कर सकते हैं गाइस। तो अब मार्केट से खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो नहीं जानते हैं इस तरीके से देख लें आप, बिल्कुल चिली फ्लेक्स घर पर बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक किसी भी जार में इसे भर कर रख लें, बहुत दिनों तक चल जाएगी। जिस भी रेसिपी में डालना हो आप आसानी से यूज करें इसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट किसी अगले रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।